नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर के एक और फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के 31वें मुकाबले की, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का। यह मुकाबला 31 अक्टूबर को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, यानी कि कोलकाता में यह मुकाबला होने वाला है। काफी मजेदार यह मुकाबला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अपने 6 मुकाबलों में से 4 मैच हार कर आ रही है, तो वहीं बांग्लादेश भी 6 मुकाबलों में 5 मुकाबले हार कर आ रही है। तो यहां पर दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर निचले पायदान पर हैं, यानी कि निचले हिस्से में दिख रही है दोनों टीमें, और सेमीफाइनल की होड़ से भी कहीं ना कहीं ये बाहर होते हुए भी दिखाई दे रही है। तो दोनों टीमें अब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगी कि टूर्नामेंट खत्म हो तो थोड़ा एक अच्छे नोट पे खत्म करें, जीत के साथ खत्म करें। दोनों टीमों के 3-3 मुकाबले बचे हुए हैं और ये कल इनका 7वां मुकाबला खेला जाएगा। ईडन गार्डन के विकेट पे खेलना है, तो काफी मजेदार होने वाला है यह मुकाबला। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस दोनों टीमों की फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट, कोई इंजरी अपडेट होगी तो वो भी आपको देंगे, और प्लेइंग 11 प्रोबेबल क्या हो सकती है इस मैच की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी बजा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो यहां पे 38 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं ओडीआई में, यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों के बीच 38 मुकाबले खेले गए, जिसमें से आप देखिए कि 33 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते। तो एक तरफा कहीं ना इस रिकॉर्ड में आगे दिख रही है आपको पाकिस्तान। 5 मुकाबले केवल बांग्लादेश ने अपने नाम करे, तो यहां पे एक बांग्लादेश के लिए थोड़ी वर्चस्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन यहां पे पाकिस्तान को भी मात देना इनके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी बेहतरीन तरीके से खेल कर आ रही है, हालांकि वहां पे आखिरी कुछ लम्हों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो एक विकेट से जो वो जीत हासिल हो सकती थी उन्हें, कहीं ना कहीं वहां पे अगर आउट हो जाते तब्रे शमशी, लेकिन वहां पे साउथ अफ्रीका ने काफी बेहतरीन चेज कर रहा था। लेकिन यहां पे पाकिस्तान क्योंकि कहीं ना 4 मुकाबले लगातार हारी है, पहले 2 मुकाबले उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से खेले थे श्रीलंका और नीदरलैंड के सामने, लेकिन उसके बाद जब भारत के सामने ये इनको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से टीमें लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़खड़ाती हुई दिखी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप देखिए कि उसके बाद इनको भारत से हार का सामना करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनको मात दी, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, जिनको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से फंसा लिया था चेज करते हुए। साउथ अफ्रीका अच्छी रहती नहीं है और चेज कराया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अंतिम क्षणों में थोड़ा साउथ अफ्रीका ने थोड़ा अपने ऊपर काम रखा और वो मुकाबला जीती। लेकिन अब बाबर आजम की टीम यही चाहेगी कि आखिरी के जो 3 मुकाबले बचे हुए हैं उनको जीत कर थोड़ी अपनी नाक जो बची कुची है उसको बचा ले और अच्छे से टूर्नामेंट को समाप्त करे। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 की तरफ अगर देखा जाए, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए पाकिस्तान की, तो बाबर आजम, वैसे चेंजेस तो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि पिछले मुकाबले में काफ़ी शानदार जो प्लेइंग 11 थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था, तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं नहीं। हालांकि शादाब खान कंकशन का शिकार जरूर हुए थे, लेकिन अब वो शायद फिट होंगे, मैच से पहले पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी तक जो खबर है शायद शादाब खान आपको कल खेलते हुए दिखें। तो बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, इफ्तिकार अहमद, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, हैरिस रॉफ और शाहिन शाह अफरीदी, अभी के लिए ये प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर शादाब खान फिट होते हैं तो वो आपको उसामा मीर की जगह खेलते हुए दिख सकते हैं। तो अगर अभी शादाब खान को प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है, तो यहाँ पे उसामा मीर आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। अगर पिछले मुकाबले में बात की जाए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के सामने विकेटें उन्होंने भी ली थी, तो यहाँ पे एक बार फिर से उनको मौका मिलता हुआ दिख सकता है। अगर शादाब खान रहे तो फिर उन्हीं को, क्योंकि नवाज ने बल्ले से भी रन बनाए थे और गेंदबाजी भी अच्छी करी थी। उसके बाद बांग्लादेश की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, तो बांग्लादेश के लिए अभी फिलहाल कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीते थे, लेकिन उसके बाद 5 मुकाबले लगातार हार के आ रही है टीम। शाकिब अल हसन बीच में चोटिल होते, लेकिन बल्लेबाजी कुछ खास कर नहीं पा रही है। अगर बांग्लादेश की बात करें, गेंदबाजी में भी वो अब दम दिख नहीं रहा है। सौरिफुल इस्लाम की बात कर लीजिए, वो थोड़ा कहीं ना कहीं विकेट निकालते हुए दिखे, लेकिन शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज, उसके अलावा गेंदबाजी थोड़ी सी साधारण दिखी है। यहाँ पे ओवरऑल भी बात करें, बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, न चेज करते हुए इनसे रन बने, मतलब टारगेट देते हुए भी रन नहीं बने पहले बैटिंग करते हुए भी, तो यहाँ पे थोड़ा निराश होगी बल्लेबाजी से, वो रन आ नहीं रहे। चाहे नजमुल हुसैन संतो को अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी अच्छा उनका ओडीआई क्रिकेट चल रहा था, काफ़ी बेहतरीन रन बना रहे थे, 50 से ऊपर की एवरेज से उन्होंने 2023 में रन बनाए, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में आने के बाद उनका बल्ला खामोश रहा। लिटन दास एक पारी खेली, लेकिन उसके अलावा लिटन दास के भी बल्ले उतने कुछ रन निकले नहीं है। शाकिब अल हसन बल्ले से फ्लॉप रहे हैं, वही मुशफिकुर रहीम एक मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज रहा है जो थोड़ा रन बनाए। महमूदुल्ला ने एक शतक जरूर
जरूर लगाया था, लेकिन उसके अलावा टीम अगर एक पूरी टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे शाकिब अल हसन की टीम थोड़ी लचर दिखी है। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो शाकिब अल हसन, तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन संतोष, उसके बाद मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर बल्लेबाज, महमूदुल्ला रियाद, फिर मुस्तफिजुर रहमान होंगे, सौरीफुल इस्लाम, मेहंदी हसन मिराज, मेहंदी हसन और तास्किन अहमद, ये आपकी प्लेइंग 11 प्रोबेबल हो सकती है बांग्लादेश की। वहीं पिच रिपोर्ट की बात की जाए यहाँ पे अगर ईडन गार्डन की विकेट को अगर देखा जाए तो ये देखिए बल्लेबाजी के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पे आउटफील्ड भी काफ़ी बेहतरीन होती है। लेकिन ईडन गार्डन की अगर पिच की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा गेंदबाज हावी रहते हैं, यहाँ पे विकेटें आपको शुरुआती पावर प्ले में निकल सकती हैं, चाहे पहले बल्लेबाजी कर रहे हो चाहे बाद में, तो यहाँ पे थोड़ी शुरुआत के पावर प्ले ओवर को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, गेंदबाज हावी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी बल्ले और बल्लेबाज भी पिच पर समय बिताएंगे तो रन बनाना फिर आसान हो जाता है, क्योंकि आउटफील्ड भी यहाँ की अच्छी होती है, छोटी बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर रन बनाते हुए आपको बल्लेबाज दिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों गेंदबाजों को भी ये पिच फेवर करती है और बल्लेबाजों को भी। तो ओडीआई अगर रिकॉर्ड्स की बात करें यहाँ के मैचों की जो ईडन गार्डन में खेले गए, तो यहाँ पर 36 मुकाबले खेले गए हैं, कुल 36 मुकाबलों में से 21 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं। तो यानी कि चेस करते हुए यहाँ पे थोड़ा आंकड़ा ढीला दिख रहा है, कि यानी कि चेस करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आप टारगेट यहाँ पे देते हैं तो थोड़ा आप डिफेंड कर सकते हैं, हालांकि ओस भी गिरती है तो वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर देखा जाए तो 241 रन है, जबकि सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 201 रन है, तो बहुत फर्क दिख रहा है। तो इसी से पता चल रहा है कि चेस करना इतना आसान बनेगा नहीं, तो आप पहले बैटिंग करिए और थोड़ा अच्छा टारगेट दीजिए और फिर टीम को दबाव में डाल सकते हैं। हाईएस्ट टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 404 रन बने हैं, इंडिया श्रीलंका का मुकाबला था वो। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि जो लोवेस्ट टोटल है 63 रन, वो भी इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स का मुकाबला था हालांकि वो। और जो हाईएस्ट रिकॉर्ड जो रन चेज हुआ है यहाँ पे, हाईएस्ट रन चेज 317 रन है, इंडिया श्रीलंका का मुकाबला था, 48 ओवर में 317 रन चेज हो गए थे। तो ये भी है कि यहाँ पे आप चेज भी कर सकते हैं, आप 300 के पार भी अगर जा रहा है स्कोर, 317 320 25 आप यहाँ पे चेज करते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे टीम चाहेगी जो भी टीम कि पहले कल बल्लेबाजी करे और एक अच्छा स्कोर सामने रखे, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगी कि पहले आप देखिए कि चेज उन्होंने डिफेंड करते हुए काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था और बांग्लादेश की टीम वैसे भी बल्लेबाजी में चल नहीं रही है, तो आप चाहेंगे कि पहले स्कोर करें अच्छा, रन रेट भी आप बढ़ाना चाहेंगे अपना कहीं ना कहीं थोड़ा पॉइंट्स टेबल में ऊपर देखने के लिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान चाहेगी कि वो जल्दी से पहले बैटिंग करे और अच्छे उनके पास बल्लेबाज है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब बल्लेबाज, अब्दुल्ला शफीक, तो आप चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया जाए और उसके बाद डिफेंड करने के लिए गेंदबाजों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या कुछ कल मुकाबले में होता है, लेकिन टॉस जीत के मेरे को लग रहा है कि बाबर आजम कल शायद पहले बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। तो अब फैंटेसी 11 बना लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों टीमों के तो दो विकेट कीपर हमारे पास काफी शानदार है, एक तरफ मोहम्मद रिजवान, दूसरी तरफ मुशफिकुर रहीम, जो कि मिडल ऑर्डर में आके बांग्लादेश के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ पे मुशफिकुर रहीम और मोहम्मद रिजवान को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, जब भी मौका मिलता है ये दोनों अच्छी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मोहम्मद रिजवान पिछले एक दो पारियां उनकी अच्छी नहीं रही है, लेकिन कल शायद वो आपको रन बनाते हुए दिख सकते हैं। वही मुशफिकुर रहीम भी आपको ईडन गार्डन पर रन बनाते हुए देख सकते हैं, मिडल ऑर्डर में आते हैं वो बल्लेबाजी करने के लिए और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो आप इन्हीं दो को लेना चाहेंगे और ये दोनों अच्छे बल्लेबाज भी हैं। उसके बाद बैट्समैन में बात करें तो बाबर आजम आप ऑफकोर्स अपनी टीम में रखना चाहेंगे, अर्धशतक लगाया था जरूर, लेकिन यहाँ पे भी रन बनाते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ओपन करते हुए पाकिस्तान के लिए काफी बेहतरीन करा है, तो यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम को आप रख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है महमूदुल्ला रियाद, जो कि शतक लगा के आ रहे हैं, और ओडीआई जब वर्ल्ड कप आता है तो महमूदुल्ला बांग्लादेश के लिए अच्छा करते हुए दिखते हैं हमें हमेशा, मिडल ऑर्डर में आते हैं और अच्छे तरीके से पारी को बुनते हैं, लेकिन उनको साथ किसी और का नहीं मिलता, इस वजह से कहीं ना कहीं वो मुकाबले भी हारते हैं। तो यहाँ पे महमूदुल्ला आपके चॉइस हो सकते हैं और साथ में आपके लिटन दास भी आपके यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि एक ओपन करते हुए आप रखना चाहेंगे बांग्लादेश की तरफ से भी, तो मैं चाहूंगा तंजीद हसन की जगह आप लिटन दास को अपनी टीम में रखें। तो ये आपके चार बैट्समैन हो सकते हैं, महमूदुल्ला, लिटन दास, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक। वहीं अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हमारे पास कौन से है, शाकिब अल हसन है, आपके पास शादाब खान है, हालांकि वो मुकाबला कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर भी अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो यहाँ पे आप शाकिब अल हसन को अभी के लिए अपनी टीम में रख सकते हो। उसके अलावा मेहंदी हसन मिराज, जो कि बांग्लादेश के एक और बेहतरीन ऑलराउंडर है, गेंदबाजी से भी विकेटें लेते हैं और बल्ले से भी रन बनाना जानते हैं, तो इनको आप अपने ऑलराउंडर के रूप में रख सकते हैं, यानी कि शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज। वहीं बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी आपके पास होने ही चाहिए, विकेटें लेते रहते हैं लगातार, पिछले मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी थी। उसके बाद आप हैरिस रॉफ को भी रखिए, डेथ शुरुआत में जरूर महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन डेथ ओवर में आपको विकेटें निकाल के ये देते हैं। तो हैरिस रॉफ, शाहीन शाह अफरीदी और बांग्लादेश की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप सौरीफुल इस्लाम को रख सकते हैं, नहीं तो वहां पर तास्किन अहमद
अहमद भी आपके पास चॉइस है, लेकिन मैं अपनी टीम में यहाँ पे सॉरीफुल इस्लाम को रख रहा हूँ। तो ये थी फैंटेसी 11 की टीम अगर देखा जाए तो। विकेट कीपर में मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बल्लेबाजों में महमूदुल्ला रियाज, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और लिटन दास। ऑलराउंडर्स में शाकिब अल हसन और आपके पास मेहंदी हसन मिराज है। फिर उसके बाद बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, सॉरीफुल इस्लाम और हैरिस रॉफ। तो ये थी पाकिस्तान और बांग्लादेश मुकाबले की फैंटेसी 11। उम्मीद होगी आपको पसंद आई है और आपको ढेर सारी ये पॉइंट्स दिलाए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।